हेलो एवरीवन, कैसे हो व्यूवर्स? आप सब लोग गाइस, आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ थर्ड पार्टी रीडिंग। और थर्ड पार्टी रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है वहाँ पे। इस रीडिंग को देखने के लिए एक जो ज़रूरी क्राइटेरिया है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, और उसके बाद ही आप इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग जनरल है तो एज ए जनरल रीडिंग की तरह ही इसे देखिए, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो जितना आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइज, वन मोर थिंग, ये जेंडरलेस एंड टाइमलेस रीडिंग है तो किसी भी पर्सन के लिए कभी भी देखी जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वहाँ पर कि करंट एनर्जी क्या है उस रिश्ते की, ठीक है? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने पर्सन और थर्ड पार्टी के लिए, वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन डिवाइन एंजल क्या है बताएं। ओके, सो वी हैव अ सन एंड द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैजिशियन एंड टेंपल पाथ। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, क्या सिचुएशन है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, सबसे पहले ही कार्ड हमारे पास आता है सेवन ऑफ सोर्ड का, एस ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ वैंड्स एंड द व्यूवर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, ठीक है? तो व्यूवर्स देखो, सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी आती है वो ये दिखाती है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है जहाँ पर इनके सामने कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं, ठीक है? जैसे किसी की मानसिकता और किसी का कोई छुपा हुआ, मतलब कहते हैं ना लाइफ का छुपा हुआ पार्ट, वो सामने आया कि भाई सामने वाला पर्सन जो है वो किस नेचर का है, किस बिहेवियर का है, उसको अपनी लाइफ में उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो क्या पाना चाहता है या फिर अपनी लाइफ में वो किस तरफ जाना चाहता है, ठीक है? और वो जो दिखा रहा था, क्या वो सच था या फिर छलावा था या धोखा था, ठीक है? तो यानी कि जो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था या कर रही थी कि मेरे पास ये है, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, या फिर मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, या फिर मैं इस तरह का इंसान हूँ, बहुत ही काइंड, लविंग, केयरिंग और काफ़ी हाईली रेपुटेटेड, या फिर बहुत ही अच्छी उसकी जॉब या पोस्ट या जो भी कुछ है भी बस, ठीक है? ये सब चीज़ें यहाँ पर डिसेप्शन के रूप में नज़र आती हैं। तो समवेयर जैसे कि पर्सनालिटी सामने आई है, उसको देखने के बाद में एक इंसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूम गया, जैसे कहते हैं ना एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ यहाँ पे नज़र आता है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं इससे इनसे कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे रिवील हो रहा है। और मानसिकता व्यूवर्स यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटीज़ अगर देखी जाए व्यूवर्स, यहाँ पर प्रायोरिटीज़ नज़र आ रही है इस तरह से। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि एक पर्सन यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है, और जो दूसरा वाला पर्सन है वो किसी ऑफ़र का, उनकी तरफ से किसी कमिटमेंट का ऑफ़र का, मे बी शादी का, फैमिली का, ठीक है, उनके साथ में लाइफ टाइम रहने का, इस तरह के एक ऑफ़र का यहाँ पे वेट करता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रही हैं, जो कि स्टेबल एंड लॉन्ग जर्नी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं, और जिसका संबंध कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे मैरिज से हो सकता है, मैरिज से हो सकता है या फिर किस तरह के स्टेबल कनेक्शन से हो सकता है। लेकिन जो सामने वाला पर्सन है व्यूवर्स, वो अभी इस तरह के कनेक्शन को लेकर श्योर नहीं नज़र आ रहा है, या तो वो कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, और अगर उन्होंने कमिटमेंट दिया है तो उस कमिटमेंट से वो भागते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि वो नहीं चाहते कि वो इस तरह का कोई कमिटमेंट दें, मे बी शादी करें या फिर कनेक्टेड रहें लाइफ टाइम, क्योंकि उनकी लाइफ में व्यूअर्स एक सेकंड पार्टी यहाँ पे जो नज़र आ रही है, उसकी लाइफ के अंदर ऑलरेडी कनेक्शन नज़र आ रहा है जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, फीलिंग लाइक अ स्टेबल नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी गाइस फील हो रही है। तो इसीलिए एक धोखा, एक
ट्रिकरी, यहाँ पे एनर्जी गाइज फील होती है, जो कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाना दिखाती है। मतलब जो दिखाया जा रहा है, जो फील कराया जा रहा है कि मैं ऐसा था या मैं ऐसी थी, मैं तुम्हें ये दे सकता था, मतलब सम काइंड की वादे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन जब रियलिटी में उन वादों को पूरा करने का समय आया है तो बीच मझधार में जैसे छोड़ के गया इंसान वो नज़र आता है, जैसे कि अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है एक पर्सन को यहाँ पे कि अब मैं क्या करूँ। जस्ट लाइक अ फीलिंग लाइक अ राउंड एंड राउंड कि मेरी सिचुएशन ऐसी होगी जिससे सिचुएशन से मैं निकलने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, बार बार वही सिचुएशन मुझे फेस करनी पड़ जाती है। तो व्यूवर्स, ऐसे में ये जो पर्सन है यहाँ पे, एक बहुत ही ज़्यादा धैर्य से, पेशेंस से ये दूसरे वाले पर्सन को यहाँ पे कंट्रोल करता हुआ नज़र आता है, या फिर उनको मनाने की या उनको कन्वेंस करने की वो एनर्जी गाइज यहाँ पे फील होती है कि बहुत ही धैर्य से काम लिया जा रहा है और अपना पेशेंस लूज़ नहीं किया जा रहा है। होप लगा के बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उसको उसको मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, जैसे पहले पड़ी थी, वो रिटर्न बैक करेगा या करेगी, ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आती है। ओके, तो चलिए कुछ कार्ड्स इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्रायोरिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पे दोनों पर्सन की अलग अलग हैं, एक प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पे सेल्फ पे फोकस कर रहा है, जैसे सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ, मुझे क्या चाहिए, मुझे दूसरे की परवाह नहीं है, दूसरे पे क्या बीतेगी आई डोंट केयर, वैसी एनर्जी है गाइज यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें आप थर्ड पार्टी में। न्यू विज़न, तो एक पर्सन का व्यूवर्स यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज़ जो हम कह सकते हैं, देखने का नज़रिया, कनेक्शन को देखने का नज़रिया अपनी लाइफ में वो चेंज हुआ है, विज़न बदला है, ठीक है। और एक तरह से अगर देखा जाए व्यूवर्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि एज़ पर एक्सपीरियंस है, मतलब कहीं ना कहीं या तो हालात कुछ ऐसे हो गए थे व्यूअर जिनकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा, ये नई राह पकड़नी पड़ी, नई शुरुआत यहाँ पे करनी पड़ रही है अपनी ज़िंदगी के अंदर। और जो जो एज़ पर हार्ट, एज़ पर जैसे कहते हैं ना, हमें जो सही लगता है हम वही करते हैं, तो इनको जो सही लग रहा है ये वही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है, अब देखते हैं ऐसे में क्वीन ऑफ कप्स का क्या, किंग ऑफ कप्स का क्या हाल है, ये सब कुछ देखने के बाद में क्या हाल है किंग ऑफ कप्स का। सेलिब्रेशन, इंटीग्रेशन, फूल एंड पॉसिबिलिटीज़। तो किंग ऑफ कप्स व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो यही दिखाती है कि वो उसको अपना अभी भी सोलमेट ही मानते हैं, या फिर मानता है या मानती है, मतलब उसके साथ में वो रिश्ता चाहते हैं या चाहता है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि न्यू बिगनिंग हो जाए। तो यहाँ पे जो भी पर्सन ट्रू लव में है, ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या फिर आपका पर्सन हो, लेकिन एक पर्सन धोखा दे रहा है, एक पर्सन यहाँ पे ट्रू लव में है, और इसीलिए यहाँ पे एक वेटिंग का टाइम भी व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अभी भी मुझे मतलब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उसका जो वो आज मुझे धोखा दे रहा है या दे रही है वो लौट के वापस आ सकता है, वो मेरे लिए, मैंने उसे सच्चा प्यार किया है, ठीक है, वो मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसे अपना सब कुछ मान चुका हूँ या मान चुकी हूँ, वो आएगा। तो इसीलिए व्यूअर्स अभी गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, यानी कि अभी सिचुएशन में कोई भी एफर्ट्स नहीं लिए जा रहे, यानी कि कोई बड़ा मेजर एक्शन एक एक पर्सन की तरफ से यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, लेकिन एक पर्सन अपनी लाइफ में अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है थर्ड पार्टी में, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी में। करेज, ट्रस्ट, अलोननेस एंड दी क्रिएटिविटी, चेंज, पेशेंस। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे अभी आपके जो थर्ड पार्टी है इसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ चीज़ें रिवील हो रही हैं, उनको उनको फेस किया जा रहा है, उनसे हिम्मत नहीं हारी जा रही, यानी कहीं ना कहीं स्टैंड लिया जा रहा है, मतलब अपने लव को लेके, अपने अपने कनेक्शन को लेके, ठीक है, मुझे बिलीव है कि वो आएगा या वो आएगी, आज मैं अकेला हूँ लेकिन वो मेरे पास लौट के वापस आएगी या आएगा, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, उसको लेके इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ बदलाव को लेके, कहीं ना कहीं वो मेरे प्यार को समझेगा या समझेगी, ऐसी सिचुएशन है ये यहाँ पे, ठीक है। आज वो अपने लोगों में चला गया है, मे बी अपनी कम्युनिटी में चला गया है या फिर अपने परिवार में चला गया है वापस, लेकिन वो पर्सन लौट के वापस आएगा या आएगी, ऐसा इंतज़ार यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है।
सारे कार्ड्स व्यूवर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसी ने इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, थर्ड पार्टी नहीं। मतलब देखो यहाँ व्यूवर्स, मैं यहाँ पर अभी आपको चलो बता देती हूँ ये कौन पर्सन कौन है, ठीक है? इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्या ये आपके पर्सन की लाइफ में हुआ है, मतलब क्या ये थर्ड पार्टी ने किया है या फिर आपके पर्सन ने किया है। चलिए देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ये धोखा किसको मिला है यहाँ पे, ये धोखा किसको मिला है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन को या फिर थर्ड पार्टी को, ये धोखा किसको मिला है? डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन को या फिर ये थर्ड पार्टी को, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो व्यूवर्स यहाँ पे जो धोखा मिला है वो आपके पर्सन को मिला है, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी जो एनर्जी आ रही है वो होपफुल एनर्जी है। ये जो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, होपफुल एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है, जो कि ये दिखाई देती है कि आपके पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं होप में हो सकते हैं, और धोखा जो दिया गया है वो थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकता है, ठीक है? ज़्यादातर केसेस में व्यूवर्स यही एनर्जी दिख रही है, और इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई है। आपके पर्सन ने व्यूवर्स यहाँ पे धोखा नहीं दिया है किसी को भी, तो वो अभी भी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, एक होप दिखा रहे हैं, एक ट्रस्ट दिखा रहे हैं। जो भी कुछ हुआ है वो थर्ड पार्टी के बैक से हुआ है, ठीक है? उससे आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे हर्ट भी हैं, लेकिन स्टिल वो अपनी ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनली हर्ट हैं, लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि क्या पता वो वापस आ जाए, हाँ क्या पता वो कुछ हो जाए। तो इसलिए आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे होप में कुछ हद तक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लोग होप में हैं, और कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन भी कर रहे हैं, ठीक है? मूव ऑन कर रहे हैं एक नए कनेक्शन की तरफ या फिर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की तरफ, वो एनर्जी का इस यहाँ पे मिलती है। तो ये व्यूवर्स आपके सामने सारी की सारी स्टोरी है जो वहाँ पर नज़र आती है, ठीक है? तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूवर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में, टिल देन टेक केयर, सेल्फ गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक।